क्या गिला करें, किस किस का नाम लें और किसने क्या किया और क्या कहा, कैसे अमल किया, कैसे आयीन को तोड़ा, कैसे आयीन की पामाली की, कैसे कानून को तोड़ा। वो कहते हैं कि मन अनम के मन दनम, हाँ मैं कुशम ना कहे बेजम आमरा। जनाब स्पीकर, हमारे जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी तफसील से बात की कि पुरअमन तरीके से एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है और अपने अपने हलकों से अपने वर्करों समेत एक जोश के साथ, जज्बे के साथ, जुनून के साथ कि कानून और आईन के दायरे में रहकर हम एहतजाज कर रहे हैं अपने कायद के खिलाफ गलत और नाजायज़ मुकदमात जो बनाए गए हैं और फिर उनको पाबंद सेल रखा हुआ है और उसका हम हिसाब लेने के लिए और अपने कायद को छुड़वाने के लिए हर कानूनी तरीके से, ना हमने कानून तोड़ा ना हमने आईन तोड़ा। लेकिन जनाब स्पीकर, ये हमारे सारा हाउस गवाह है, जब हम गए हैं तो यहाँ तक रुकावटें कड़ी की गई हैं कि मोटरवे को काटा गया और फिर जब हम पंजाब की तरफ जाते हैं तो हमें ऐसे तंजिया किस्म के फिक्रे सुनने पड़ते हैं जिस तरह हम किसी और रियासत के बशिंदे हैं और कोई गैर जमहूरी और या फिर रियासत के खिलाफ कोई हम ऐसा हंगामा करने वाले जिससे रियासत टूट जाती है। जनाब स्पीकर, ये कोई आज की बात नहीं है या एक दो सालों की बात नहीं है, ये जब से पाकिस्तान बना है यहां पर पॉलिटिकल स्पेस को एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा, पॉलिटिकल स्पेस दिया ही नहीं जा रहा। सबसे पहले जो ही पाकिस्तान बना है, डॉक्टर खान साहब की हुकूमत पर चोरा पैर दिया गया क्योंकि वो एक मुंतखब हुकूमत थी। फिर उसके बाद फातिमा जिन्ना के साथ जो हुआ सबके सामने आया कि रिजल्ट, इलेक्शन रिजल्ट कैसे चेंज किए गए। फिर उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो मुंतखब वजीर आजम के साथ क्या हुआ। फिर या मैं अपोजिशन से भी कहता हूं कि हम कोई छुपाने वाली बात नहीं करते, बेनजीर के साथ जो हुआ, फिर नवाज शरीफ के साथ हुआ, फिर हमारे कायद के साथ, ये एक हकीकत है जनाब स्पीकर, ये एक हकीकत है कि इस वक्त पाकिस्तान में 24 करोड़ आवाम का अगर कोई भी आवाम के दिल में बसता है तो वो खान साहब बसते हैं। तमाम 24 करोड़ आवाम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्सियत को वजीर आजम और अपना सरबरा मानना पसंद करते हैं और जानते हैं और चाहते हैं, वो खान साहब है। अब ये सारे लोग पश्तूनख्वा के जब उठ के जाते हैं और फिर उन नाजायज मुकदमात का पूछने के लिए जाते हैं और कौम की हकीकी आजादी के बारे में जब बात करना चाहते हैं तो ये फिर उन लोगों को अच्छी और नागवार नहीं गुजरती जिनकी मुसलसल एक तारीख बनी हुई है कि वो कभी किसी को पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे। जनाब स्पीकर, हमारे मुल्क में जितने भी फैसले हो रहे हैं इसमें किसी भी तरीके से जमहूरी अंदाज ही नहीं है और ना जमहूरी अंदाज उन फैसलों पर असरअंदाज होने को बर्दाश्त करते हैं। अब बात यहां तक पहुंची है कि इस वक्त हम जितनी भी देख रहे हैं, हमारे जितनी भी आवाम है, उनके जोश और उनके जज्बे को हकीकी आजादी के लिए उनको किसी तरीके से उन्होंने तोड़ना है। हमारे आवाम के जज्बात के साथ खेला जा रहा है और इस वक्त हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं जनाब स्पीकर, पननावा तो पजरगो नशवा किसा किसा शवा पकिसो नशवा तालिबाजान दयार कुसे के मड़का नूर दे मुला पतवीजो नशवा। जनाब स्पीकर, इसके अलावा हमारे पास चारा ही कोई नहीं है क्योंकि जब आपको पॉलिटिकल अंदाज से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हमारे पास और क्या रास्ता है। हम बार बार जाएंगे, हम अदम तशद्दुद के पैरोकार हैं, हम फिर भी जाएंगे और हम फिर भी सवाल करेंगे, मेहनत करेंगे, जारी करेंगे, लेकिन हम कभी तशद्दुद पर नहीं उतरेंगे। हमारे यहां बहुत ज्यादा कोशिश की गई कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत को किसी तरीके से उठा लिया जाए ताकि ये तशद्दुद पर उतर आए, लेकिन मैं शाबाश देता हूं अपने वर्कर को, अपनी क्यादत को कि उन्होंने एक जबरदस्त किस्म की मिसाल कायम की, एक तारीख रकम कर दी कि हमने कानून को कभी हाथ में नहीं लिया। हमारे वर्कर्स पे कल गोलियां बरसाई गई, जनाब स्पीकर हम आपको वो सारे शवाहिद दिखा देंगे। लोग तो आंसू गैस की बात कर रहे हैं, आंसू गैस शेलिंग की बात कर रहे हैं, रबड़ गोलियों की बात कर रहे हैं, लेकिन जनाब स्पीकर कल हम पर गोलियां बरसाई गई तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की न क़यादत ने और न किसी सियासी वर्कर ने कभी जवाब नहीं दिया। हमने सीनों पर गोलियां खाई
लेकिन रियासत के सामने हम खड़े नहीं हुए। हमने रबड़ की गोलियां सीनों पे खाई, लेकिन हमने रियासत के सामने, कानून के सामने कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। जनाब स्पीकर, सबसे ज्यादा बड़ा अलमिया यह है कि उनको वो असर हो ही नहीं रहा है, वो सुन ही नहीं रहे, वो देख ही नहीं रहे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। पूरी आवाम, पूरी मुमलिकत, पूरा पाकिस्तान, 24 करोड़ आवाम, उनकी ख्वाहिश, उनकी चाहत, हकीकी आजादी, और हकीकी आजादी का कौन अलमबरदार? खान साहब। उसको जेल में रखा इसीलिए है ताकि लोगों को जो शूर मिला है, जो खान साहब ने इनको शूर दिया था, किसी तरीके से इस शूर को छीन लिया जाए। लेकिन जनाब स्पीकर, वो हालात अभी चले गए हैं। जब कौम बेदार हो जाती है, हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि लोग ये सब कुछ अपने हाथ में ले लें और फिर जो है ना इनके पास कुछ बस भी नहीं रहे, और फिर हमारे पश्तूनख्वा के साथ तो एक सुतीली मां जैसा सलूक, और हमें तो रियासती समझा ही नहीं जा रहा है। भाई, बाकी लोगों से, बाकी सूबों से भी, बाकी इकाइयों से भी लोग आते हैं, उनके साथ रवैया इस तरह का नहीं है जिस तरीके से हमें डील किया जा रहा है। गुनाह में दादा चे पख्तूनियम पगैरत उलाड़म, गुनाह में दादा चे पख्तूनियम पगैरत उलाड़म, चरतना काने से रजीजम अपसर हो लगी। जनाब स्पीकर, यह हमारे साथ शुरू से होता जा रहा है, और मुझे सबसे बड़ा अफसोस कल किस बात पे हुआ जनाब स्पीकर, आपको भी शर्मिंदगी होगी अगर मैं आपको बता दूं, इस हाउस को भी शर्मिंदगी होगी। कल हमारे ही हुकूमत में कुछ डीसी साहिबान ने हमारे अपने सिटिंग एमपीएस के खिलाफ 3 MPO जारी किया हुआ है। मैं आज इस फोरम की बरकत से, आपकी वसात से जनाब स्पीकर, यह बताना चाहता हूं कि उस अफसर के खिलाफ और उस एमपीओ जारी करने वाले के खिलाफ और उस छापे मारने वाले के खिलाफ हम ऐसे इकदाम कर देंगे कि उनके ऊपर हम जमीन को तंग कर देंगे और आसमान गिरा देंगे। आज तक हमने जो हमारे साथ 8 फरवरी से पहले इनका जो रवैया था, हमने बर्दाश्त किया, और फिर इख्तियारात होने के बावजूद भी हमने कभी उनको कुछ नहीं कहा, बल्कि हमने इसलाह के तौर पे छोड़ दिया कि चलो दोबारा नहीं करेंगे, और ऐसा ये ना समझे कि ये इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। हम इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मेरे किसी भी वर्कर को, मेरे किसी भी क्यादत को हाथ तक लगाया इन्होंने, इनका हम वैसा हशर कर देंगे कि इनको इंतकाम भी जो है ना, ये भी पता नहीं होगा कि मुझे कहां से लगाया गया। जनाब स्पीकर, ये कोई बात है? ये कोई तरीका है? हम एक जमहूरी अमल कर रहे हैं, एक जदोजहद कर रहे हैं, पुरमन तरीके से कर रहे हैं। हमें ख्वामखा इस नहज पे लाया जा रहा है कि हम कानून को हाथ में लें, लेकिन इनकी ये ख्वाहिश हम पूरी नहीं करेंगे। ये जो मोहसिन नकवी ने कहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है कि ये लाशों की सियासत करे, अगर लाशों की सियासत करनी होती, हम पश्तून हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन हम ये करते नहीं हैं। हमसे ज्यादा मरने मारने वाले कोई नहीं है। हम पिछले 40-45 सालों से लाशें उठा रहे हैं, और उसने लाश दिखी नहीं होगी। हम अपनों की लाशें उठा उठा कर थक गए हैं। ना हम मारते हैं, ना हम बेकसूर मरते हैं, लेकिन ये दावे करना, हमारे ऊपर ये तंज करना, हमें दम क्या देना? बाबा, आप हमें कैसे दम क्या देते हैं? हर महाज में तो हम खड़े होते हैं, रियासत को बचाने वाले हम हैं, अल्लाह है, अल्लाह के बाद हम हैं, अल्लाह ने हमें सबब बनाया है, तुम क्या हमें तुम क्या देते हो? और फिर हमारे घर के ऊपर जिस तरीके से ईजी साहब ने अभी बताया है कि पश्तूनख्वा हाउस पे ये लोग आए हैं, और इन लोगों ने जो क्या मेरे घर और चादर और चार दीवारी की पमाली की है, मैं कहता हूं कि इसमें जो भी कसूरवार ठहरे, ख्वा वो आईजी इस्लामाबाद है, ख्वा वो इंटीरियर मिनिस्टर के रेंजर वाले हैं, जनाब स्पीकर, हमने इसके ऊपर अगर कार्रवाई ना की और इसको हमने ढीला हाथ लग दिया, इन्होंने कल हमारे ऊपर फिर आना है और फिर हमारा ये हशर करना है। और ये अपोजिशन वाले मेरी बात सुन लें, ये बातें सिर्फ आज मेरे साथ हो रही है, तारीख में आपके साथ हो भी चुकी है और हो भी रही और आगे भी होगी। आप मेरे साथ आज एक करारदाद की मंजूरी पर ना कर रहे हैं, आप करें, लेकिन एक वक्त आएगा इंशाल्लाह इस पे आपको अफसोस होगा कि मैंने ना क्यों की थी।
क्योंकि ये हमारा जमहूरी अमल को रोकने वाले हैं। हमने अपने जमहूरियत को दवाम देना है। ये जात की बात नहीं होती, ये सरदार अली खान का वाकया नहीं है, ये उसका अकेले मसला नहीं है, ये सारी जमहूरी कुवतों का मसला है। हमने सन 47 से लेकर आज 2024 तक, आप एक नजर दौड़ा लें और देख लें कि हमारे साथ क्या होता रहा है। पॉलिटिकल स्पेस जब नहीं देंगे, सबसे बड़ा मुजरिम पॉलिटिकल लीडरशिप ही बन जाता है। जब हम आज जमहूरियत के लिए नहीं उठेंगे, नहीं लड़ेंगे, कल को हमारे यही हाल होगा। साल डेढ़ साल असेंबली चलेगी फिर टूटेगी, 5-6 महीने हुकूमत चलेगी फिर टूटेगी। कभी आपकी बारी लगाएंगे, कभी हमारी बारी लगाएंगे। जिसकी बारी लगती है वो दूसरे वाले को भूल जाता है और ये समझता है कि मैं हमेशा के लिए हो गया हूं। ऐसा नहीं है बाबा, आप जो है ना 5-6 महीने के लिए, साल के लिए, डेढ़ साल के लिए अगर आप दूसरे को भूल जाते हैं तो याद रखे कल को तेरी भी बारी होगी। जनाब स्पीकर, यहां पर हम तमाम सियासी कुवतें, तमाम सियासी कुवतें जितनी भी यहां पर असेंबली में बैठी है, हमने कभी इनसे ऐसे तवक्कुआत एक दूसरे से नहीं रखे हैं कि हम जमहूरियत को दवाम देने के लिए एक दूसरे का साथ दें। क्यों? क्योंकि हमारी ये भी तारीख रही हुई है कि हमेशा हम एक दूसरे की टांग खींचते रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अभी ये तारीख, ये मेरे कायद की टीचिंग्स हैं, मेरी कायद की तरबियत है कि इंशाअल्लाह हम हमेशा जमहूरियत को जो है ना फोकियत देंगे, न कि हम जाती अनाद और जाती पसंद नापसंद को। जनाब स्पीकर, मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जिन जिन ने हमारी जो जो जिम्मेदारान हैं, ख्वा वो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं या हमारे IG हैं और या फिर ये 149, ये शेख 149 की जो है ना जिक्र कर रहे हैं या फिर गवर्नर राज का जिक्र कर रहे हैं, ये सारी कहानियां हैं। ये जब अवामी ताकत उभरेगी तो इनका ना ये शेख रहेगा, ना इनका गवर्नर राज रहेगा, ना ये बर्दाश्त कर सकेंगे, तो फिर पूरा पख्तूनख्वा उठेगा और एक नई तारीख रकम करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।